तो अभी यहाँ से आपको काफ़ी सारे बोनेट मकैक्स देखने को मिलेंगे मेरे साथ वीडियोस में। आईसो बहुत हाई रखा है तो बहुत क्लियर आ नहीं रहा है, पर ठीक है, रिकॉर्ड शॉट हो गया। एक किंगफिशर नया देख लिया हमने अभी तक। एंड देन वी आर गोइंग टू लीव फॉर अ नाइट सफारी टुडे स्लेंडर लॉरिस के लिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द एटीआर डेली व्लॉग सीरीज। और आज भी हम गोवा में ही हैं। आइडल प्लान के हिसाब से आज हमें कल ही निकल जाना चाहिए था, बट गोवा में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ पिछले 2-3 दिनों में, बिकॉज फ्रेंड्स वर ओवर हियर, मॉम वाज ओवर हियर। आज मॉर्निंग में मॉम को भी सी ऑफ कर दिया है, सब फ्रेंड्स को भी सी ऑफ कर दिया है। नाउ वी आर बैक टू वर्क। इट्स ऑलरेडी 3 o'clock एंड शाम के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से 2 घंटा दूर नेचर्स नेस्ट नाम की जगह पर, और वो बर्डिंग के लिए बहुत मानी जाती है। मुझे पता लगा है कि यहाँ पे ब्लू ईयर्ड किंगफिशर दिखता है एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई शूट दैट स्पीसी ऑल्सो। कॉमन किंगफिशर और ओडीकेएफ, दैट्स ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर, और ब्लू कैप्ड किंगफिशर और ब्लैक कैप्ड किंगफिशर और क्रेस्टेड पाइड भी हो चुके हैं। नहीं, कॉमन तो क्या, वो एक और था ना जो बहुत अच्छे से कलर का था जो हमने कॉर्बेट में शूट किया था, वो कौन सा था? स्टॉक-बिल्ड किंगफिशर। ये सारे किंगफिशर्स हम शूट कर चुके हैं। एंड ब्लू ईयर्ड किंगफिशर अगर हमें मिलता है तो इट्स गोना बी अनदर एडिशन टू आर किंगफिशर कलेक्शन ऑफ फोटोज। एंड ऑफ कोर्स मैंने देखा भी नहीं है, इसी एरिया का एंडेमिक है तो उसको भी देख लेंगे, और अगर कोई अच्छा शॉट मिल गया तो वो भी ले लेंगे। सो लेट्स गो। गोवा से कुछ 2.5 घंटा दूर जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, नॉर्थ गोवा से, नेचर्स नेस्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वक्त। यहाँ से थोड़े दूर में ही किंगफिशर का लोकेशन है। सो वी हैव स्टॉप्ड ओवर हियर एंड वी विल पिक अप अ लोकल बर्डर फ्रॉम हियर एंड पोस्ट दैट वी आर प्रोसीडिंग टू दैट लोकेशन। टाइम थोड़ा आज कम बचेगा, 1-1.5 घंटे का टाइम बचेगा, लेट भी हो गए। आई होप आई गेट टू सी द किंगफिशर एटलीस्ट, ताकि फिर कल हम प्लान कर पाएंगे हमने शूट कैसे करना है और कितने बजे तक आना है यहाँ पर। सो अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर हो चुके हैं और बर्ड की लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये बर्ड अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा बर्ड रहता है और कॉमन किंगफिशर से कलर्स इसके थोड़े अलग हैं, बहुत ब्लू रहता है। और मैंने पहले नहीं देखा है, बट ऑफ कोर्स आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। किंगफिशर्स को शूट करना या देखना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। द वे दे फ्लाई, दे आर वेरी फास्ट एंड देन दे कम बैक विद अ किल, और द वे दे टर्न, द वे दे मूव देयर नेक्स, the way they keep on looking at their kill, or maybe just if they are, let's say, sitting near a water body, तो जैसे वो पानी के अंदर देखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि कब वो फिश को पकड़ के लाए, फिर उसको झाड़ते हैं, वो सारा जो मूवमेंट होता है वो अपने आप में अच्छा रहता है शूट करना। सो उसी तरफ को जा रहे हैं और 5 बज चुके हैं, थोड़ा लाइट कम है, तो अगर आज आई होप मिल जाए, नहीं मिलता है तो कल से हम फिर ट्राई करेंगे। बट अभी मेनली हमारा आज लोकेशन स्काउटिंग का प्लान था कि थोड़ा आइडिया लग जाए किधर है और किस हिसाब की लाइट है और किस तरीके से हमको उसको कल दिमाग में रखिए किस प्रॉक्सिमिटी में आएगा, तो कैसे सामान लेकर के आना है एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी बेसिकली टू बी प्रिपेयर्ड। किंगफिशर देखने गए हैं वो नीचे। सो गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और मंदिर की वजह से लोग रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, भीड़ भी काफ़ी है और डिस्टर्बेंस भी है, तो थोड़ा सा हमें आगे को जाना पड़ेगा कैमरास वगैरह लेकर के अंदर की साइड पे। वहाँ पे हो सकता है किंगफिशर हो। और बॉनेट मकैक्स एक स्पीसी होती है मकैक की। मकैक वो जो रेगुलर वाला बंदर आप देखते हैं उसे मकैक कहते हैं, वो जो मंदिरों के बाहर आपको दिख जाता है। और बोनेट मकैक एक स्पीशी है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही मिलता है। तो अभी यहाँ से आपको काफ़ी सारे बोनेट मकैक्स देखने को मिलेंगे मेरे साथ वीडियोस में। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर बैठे हैं गोल्डन आवर में, और बैकलेट हो गए हैं, पीछे से पूरी लाइट पड़ रही है, बढ़िया। मसला ये है कि यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर है मंदिर, महादेव टेम्पल है यहाँ पे, और रेगुलरली लोग यहाँ पे आते हैं। किंगफिशर अभी तो नहीं है, और जिस हिसाब से शोर है उस हिसाब से किंगफिशर का होना भी बहुत मुश्किल है, पर बोनेट मकैक्स हमें बहुत अच्छी लाइट में मिल गए हैं। एंड बोनेट मकैक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। उनका फेस जो होता है आगे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो बस में ना जी? ना ना मैं बोले हम भी बीच में आते हैं, हमारा भी बनेगा। तो beautiful light and the macaques are sitting right against it. मतलब बिल्कुल perfect light होती है ना, जैसी चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी light है और उसके बिल्कुल against macaques बैठे थे. And I got some very good shots of the macaques sitting against the light, proper rim light shots, the kind of ones that we are always looking for. Came to see the kingfisher, but I'm happy with what we got. इसी spot पे wait करेंगे, इसी spot पे क्या पता वो वापस आ जाए. और इसके अलावा कुछ स्पॉट है नहीं वेट करने वाला. सो आ तो हम लोग गए हैं बर्ड सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. एक्चुअली काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा बहुत आसपास का एरिया भी देख लिया है, बट कोई मूवमेंट मिल नहीं रहा है. थोड़ी देर और वेट करते हैं. किंगफिशर नॉर्मली आता है ब्रांच के पास और वहाँ पर आकर के फीड करता है, पर अभी फ़िलहाल के लिए नो मूवमेंट. यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है जो हर मंदिर में, हर जगह पे जहाँ पर भी खाना दिया जाता है मंकीज़ को, वहाँ पे होती है. मंकीज़ आकर लोगों से बैग्स छीन रहे हैं, लोगों से सामान छीन रहे हैं चिप्स के चक्कर में. एंड आई सीन फैमिली जो प्रॉपरली बिस्किट्स खरीद के ला रहे हैं और उनके ऊपर दे रहे हैं उनको खिलाने के लिए. मत खिलाइए, कुछ भला नहीं कर रहे हैं आप. ये देखिए ज़रा, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा. इस बोनेट मकैक का हाथ टूटा है. इस तरीके से जब आप लोग खाना देते हैं तो वो बहुत बार वो गाड़ियों के पीछे आते हैं, वो आपको काट सकते हैं, बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं. आप वापस कुछ रिएक्ट करेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे. और मकैक्स, अभी हमने देखा बहुत सारे मकैक्स इकट्ठे हो गए थे एक बाइक के आसपास क्योंकि वो खाना फेंक रहे थे. उसके अलावा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो गाड़ियों के पास आने लगते हैं, गाड़ियों में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. हो सकता है मकैक आपकी गाड़ी के पास आ रहा हो, आप गाड़ी नहीं संभाल पाए, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मंकी या कोई भी जानवर भी मर सकता है. तो जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है, पर जंगल के अंदर अगर आप खाना खिला रहे हैं जानवरों को तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है. और आप अपना भी नुकसान करा रहे हैं और लोगों का भी नुकसान करा रहे हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं, और उन जानवरों का भी. ये कोई तरस खाने वाली या खुश फील करने वाली बात नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग. स्टॉप फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स, दे कैन ब्लडी टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. इफ़ यू डू इट, इट्स अ प्रॉब्लम मोर देन समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग. पहले लोग इनको खाना खिला रहे हैं, फिर जब ये आते हैं भागते हुए खाना छीनने के लिए तो पत्थर मार के भगाते हैं. देखो सामने वो पत्थर मार रहा था अभी जो बैठा है बंदा. अभी तक यहाँ तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा अंदर देख करके आता है. नीचे की साइड नाले के पास अगर वहाँ पे किंगफिशर का कोई मूवमेंट है तो इधर से आओ, इधर से नीचे जाना पड़ेगा. लेट्स गो. नहीं, ब्रिज से हुआ है, आ जाओ. My name is Ramesh Dharmaker. So I'm a bird guide here. Okay, we are specially came for looking for a blue-eared kingfisher, which is found in the forest streams. Okay, he comes quite late to feed on a fish, and then he go back inside the canopy basically. So altogether, we get around 8 kingfisher in Goa. So this is one kingfisher which is people look for, click pictures and, you know, look basically for a kingfisher. So this is one kingfisher you can see basically apart from blue Oriental Dwarf Kingfisher. So you get this beautiful kingfisher which is look like a common but it's not a common kingfisher definitely, and found in the more forest areas around the Goa basically. 3-4 safaris में रात में जाते हैं या राउंड लेते हैं, तो कितने में चांसेस हैं स्लेंडर लॉरिस और इसके दिखने के? रफली सफारी में, इन नाइट सफारी में डेफिनेटली देयर आर गुड चांसेस, because I can consider if you are basically doing 3 to 4 safari, right, at least you 2 बार तो मिल जाना चाहिए. Oh, not so bad. That's a good ratio we get in this area for a slender loris. And yeah, the flying squirrel? Flying squirrel also, but again it's depend upon the little bit, you know, where they are going for a feeding basically. So जहाँ पे fruiting होगी वहाँ पे ज़्यादा movement होगे. So yeah, so that's how basically flying squirrel you get, but okay, it's definitely slender loris is a nocturnal animal and feeds on a insect. It's a primate, but okay, it's only primate which is feeds on insect. Yeah. Nice. Yeah. That's interesting. Yeah. Yeah. So kingfisher का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है यहाँ पर, but slender loris के बारे में मुझे पता लगा, and it has been a while I wanted to shoot slender loris. Bangalore के आसपास भी कहीं ना कहीं मिलती है ये. That's what the research says. But yeah, it's a very shy nocturnal animal. So आज नाइट सफारी भी है अपनी, तो वहाँ पर भी ट्राई करेंगे. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई इट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर ऑल्सो. डोंट बी सरप्राइज इफ आई मेक स्लेंडर लॉरिस माई एंटायर फोकस, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शूट फॉर अ लॉन्ग वाइल. लेट्स सी मिलती है कि नहीं. गुड दिस थिंग नंबर इज क्वाइट गुड टिल सर्टेन एरियाज. हाँ राइट, मे बी बिकॉज बैंगलोर साइड, कर्नाटका साइड इट्स रेयरली सीन. यस यस And but this is poaching is also a problem for Slender Loris? Slender Loris poaching is not there. So what is the reason of? It's basically degradation is the most threatened for, because they look for a undergrowth canopy where they want to basically be inside and they feed on insects. So there are basically people in this stage like clearing the forest for a different plantation and all these things. So that might be the one of the threat for them. No luck for today. Normally रोज आता है, that's what I've been told. आज नहीं आया क्योंकि आज हम आ गए. तो देखते हैं, लाइट भी जा रही है वैसे तो. डेस्टिनेशन चेंज करते हैं और इसके बाद कुछ जाकर के खाते पीते हैं and then probably we will go for Slender Loris tonight. ओके बर्ड आ गया है. हम ऊपर चढ़े ही थे कि बर्ड आ गया. वापस जा रहे हैं. सो रिकॉर्ड शॉट दे देगा. कम से कम मैं ये तो बोल पाऊँगी कि मैंने ऐड कर लिया उसको अपनी लिस्ट में. ये रूट्स है ना, वहाँ पे बैठ गया है. ये बैठा लॉट रूट्स मिला क्या? हाँ ये बैठा हाइड बहुत कम है. अच्छा आगे से तो ये कॉमन जैसा ही दिखता है. हाँ बट इफ फ्रंट बेली एंड एवरीथिंग इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू द कॉमन किंगफिशर. ट्राई करूँ इसको? नहीं ऊपर से पॉइंट नहीं है. दिख रहा है ना वो फिश खा रहा है. अभी तो दिख रहा था, अभी कहाँ गया? हाँ दिखा 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 दिखा. लाइट इज़ वेरी वेरी लो. पूरा मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो चुका है और 4000 ISO पर शूट कर रही हूँ मैं. So you can imagine how dark it is, and it's worse. It's sitting in the shade, so feeding on a fish. But from the chest part, it's very similar to a common kingfisher. The color, the blue, and then everything else. Back se different होता है. Again, that white patch is not there. ISO बहुत high रखा है तो बहुत clear आ नहीं रहा है. पर ठीक है, record shot हो गया. एक kingfisher नया देख लिया हमने अभी तक. Dark बहुत हो गया है ना, point नहीं है अब. सो इमेज तो मिल गई, देख भी हमने अच्छे से लिया और वीडियो भी मिल गई है एंड लिस्ट में ऐड हो गया. चलो बताओ अब कौन कौन से किंगफिशर हो गए अपने. पाइड हो गया, कॉमन हो गया, क्रेस्टेड हो गया, ब्लैक कैप्ड हो गया, ये ब्लू ईयर्ड हो गया और क्या क्या है? स्टॉक बिल्ड हो गया, वाइट थ्रोटेड हो गया. वो तो सबका ही हो गया और काफ़ी किंगफिशर देख लिया हमने. ओरिएंटल ड्वार्फ, यस, ODKF हो गया. सो या गुड लिस्ट. बट बहुत सारे किंगफिशर्स अभी बाकी हैं. सो जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ जा रहे ढूंढते रहेंगे. अच्छा एक चीज़ और, अगर आपकी कोई सजेशंस हो, आपके एरिया में कोई अच्छे किंगफिशर्स मिलते हो तो मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज पर्सनली आई लव शूटिंग आउल्स एंड किंगफिशर्स इन द बर्ड्स. मतलब ठीक है बाकी भी हैं बट आउल्स की स्पीशीज़ और किंगफिशर की स्पीशीज़ कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो अगर कुछ हो तो बताना ज़रूर. अरे वो बोल रहे ब्लैक पैंथर मिल जाता है रात को कभी कभी यहाँ पे. हाँ है किसी के पास इमेज है कोई? क्या क्लिक किया है किसी ने कभी? At least we got it. It's fine. We'll try tomorrow morning again in the good light. और अभी के लिए कुछ चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया भी नहीं है. सो वी विल बी नीडिंग समथिंग. भूख शूट लग गई है. हाँ वड़ा पाव हो जाएगा. वड़ा पाव कर दीजिए. लेमन टी भी नहीं बन सकती? सो अपनी सदर्न इंडिया की ट्रिप का पहला वड़ा पाव. मैंने डेफिनेटली अनाउंस तो किया था कि मैं डाइट पे हूँ. इसमें कोई सॉस या कुछ है क्या? चटनी वटनी? चटनी खत्म हो गई. बिना चटनी का वड़ा पाव मिला हमको. इसमें सिर्फ बड़ा फ्रेश है. ये नुकसान होता है जब आप लास्ट तक रुक के खाते हो कुछ. सो ये जो गोवा का साइड है, शायद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, देखा भी नहीं होगा. गोवा में ब्लैक लेपर्ड्स भी देखे गए हैं और गोवा में वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है. बर्डिंग तो है ही रिच.